अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वर्कशीट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड मैथ्स 1 एंड दिस इज वर्कशीट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1A एंड 1B। ओके, द एक्सरसाइज दिस इज वर्कशीट नंबर 13 और इसमें आपके पास ये बेटा ये P1 है या 6 ग्रेड की ये वर्कशीट है। इसमें देखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ। आपने वो निकालना है जो दोनों का फैक्टर हो। मींस क्या, यहाँ पे हिंट में दे रहा हूँ आपको कि HCF आपने निकालना है, क्योंकि हाईएस्ट की बात हो रही है, लार्जेस्ट की बात हो रही है और फैक्टर की बात हो रही है, तो आपने HCF जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। बड़ा क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा, द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 625। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 15, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है बेटा, ये आपने इसको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन इसमें आपके पास जो 3 आ रहा है, द 3 क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। ये आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, सम नंबर्स आर गिवन, यू हैव टू डिस्टिंग्विश विच आर द प्राइम नंबर्स विच आर द कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आपने इसको थोड़ा सा बताना है बेटा। ये आप इस वर्कशीट के ये 3 क्वेश्चन हैं, इसको आप पहले खुद अटेम्प्ट करें और उसके बाद मैं जो डिस्कस करता हूँ प्लीज़। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, उम्मीद काफ़ी है बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब प्लीज़ इस पे आ जाते हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ। अब फैक्टर ऑफ बोथ का मतलब मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू फाइंड द HCF। और इसमें देखिएगा बेटा, HCF के लिए हमें ये करना होता है कि ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड करे। तो देखें, ये जो 42 है और 98 है, ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, और फिर जब 2 पे डिवाइड करेंगे 21 और 49 हो गया बेटा। फिर ये दोनों 2 पे डिवाइड नहीं होते और 3 पे 21 तो आता है 3 की टेबल में, लेकिन 49 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आ रहा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 7 7 7। अब आप ये देख रहे हैं, ये दोनों जो नंबर्स हैं 3 और 7, दीज टू आर द प्राइम नंबर्स, तो ये दोनों किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो दैट विल बी 2 × 7, दैट विल बी 14। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपके पास, द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 625। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है कि प्लस करना। अगर हम दोनों नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो उनका जो स्क्वेयर आपके पास आ रहा है दैट इज 625। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 15, उनमें से एक नंबर अगर 15 है, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है बेटा, हमने इसको स्टार्ट यूँ कर लिया कि सपोज करना मतलब होता है फ़र्ज किया, कि हम फ़र्ज कर रहे हैं कि द अदर नंबर इज, जो उसने रिक्वायर्ड नंबर पूछा है उसको हमने एक्स का नाम दे दिया है। अब कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखिएगा, गिवन दैट, अब वो कहता है सम ऑफ, सम मीन्स के यू हैव टू प्लस, कि अगर हम दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं, यानी दोनों नंबर के स्क्वेयर्स को, सम ऑफ स्क्वेयर्स, एक्स का भी स्क्वेयर लें बेटा और उसके बाद प्लस लगाएं और 15 का भी स्क्वेयर लें, तो आंसर विल बी 625। ये स्टार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो जिसने अगर ये लाइन या ये स्टार्ट सही नहीं किया हुआ, इसका मतलब उसका उसने सवाल सारा गलत किया हुआ है, दोबारा इसको चेक कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट विल बी एक्स स्क्वेयर, और जो 15 स्क्वेयर मीन्स के यू विल बी मल्टीप्लाई 15 × 15। ठीक है जी, तो दैट विल बी 225। और ये बेटा हो गया 625। फिर हमने 225, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस आएगा, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, दूसरी साइड पे जब मूव करेगा दैट विल बी माइनस। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 − 225, और जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। अब हम इस साइड पे आ गए, और यहाँ पे मैंने दरमियान में एक लाइन लगा दी थी ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो ज़्यादा हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब बेटा देखें, यह है एक्स स्क्वेयर, तो पहले हम ये देखते हैं ये 400 जो है वो किसका स्क्वेयर है। तो अब देखें, एक्स स्क्वेयर को हम जो 400 है इसे लिख सकते हैं, ये 20 का स्क्वेयर है। 20 स्क्वेयर मीन्स कि जब हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 400। ठीक हो गया बेटा। अब अगर मैं इसको भी थोड़ा सा ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ तो थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी कि पावर पावर के साथ रिलेट हो रही है और एक्स बेटा किसके साथ आ रहा है, 20 के साथ। इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 20। तो जो हमारा अदर सॉल्यूशन था वो आपके पास क्या आ गया बेटा, वो 20 आ गया।
इसको अगर चेक करना चाहें आप इस क्वेश्चन को, तो चेक भी हम कर सकते हैं। देखिए उसने कहा था कि दो नंबर्स हैं जिनको हम अगर ऐड करें, उनके सम स्क्वेयर्स को ऐड करें, तो वो 4 आपके पास 625 बनता है। तो दो नंबर हमने कौन से निकाले हैं बेटा, एक हमने 20 निकाला और दूसरा हमने जो है वो उसने पहले से बताया हुआ था 15। तो अगर 20 का स्क्वेयर लेते हैं तो दैट विल बी 400, और अगर 15 का स्क्वेयर लेते हैं तो दैट विल बी 225। अगर हम इन दोनों को फिर प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, 625। तो वो जो चीज़ पूछ रहा था कि इसका आंसर 625 आना चाहिए, तो ये आपके पास सलूशन आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट पे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब बेटा क्वेश्चन 3 में है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम आर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, अब ये नंबर आपको कुछ दिए हुए हैं, इनमें से आपने डिसाइड करना है कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। अब देखिएगा बेटा, पहले देखिएगा प्राइम नंबर जो होते हैं कि हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ किसी दो टेबल में आ सकते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं वन एंड इट्स सेल्फ, अपनी टेबल पर आए और फिर वन की टेबल में आए। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। क्लियर होगी बेटा? अब इस सवाल में जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 47, क्योंकि 47 और किसी की टेबल में नहीं आता अपने अलावा। और जो आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं बेटा इस क्वेश्चन में, 387 भी कंपोजिट नंबर है और 60 भी कंपोजिट नंबर है। इसको देखिएगा, 387 वन की टेबल में भी आता है और उसका आंसर हो जाएगा 387। 3 से भी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 129, मीन्स के 3 की टेबल में भी आता है, और जो 60 है ये आपके पास 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, इस ना ये 2 से ज़्यादा की टेबल्स में आता है। क्लियर की बेटा? और यहाँ पे देखिएगा एक 1 था, तो 1 जो है नाइदर प्राइम नंबर नारा कंपोजिट नंबर। कुछ बच्चों ने शायद इसमें गलती से इसको प्राइम नंबर में ऐड कर दिया होगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा, इसको ज़रा देख लीजिएगा। और ये आपके पास बेटा क्या होगा, जो 1 है वो ना प्राइम नंबर में आएगा और ना ही कंपोजिट नंबर में आएगा। ठीक है जी, चलिए इसको आप ज़रा प्लीज़ दोबारा भी चेक कर लें इस सारे कॉन्सेप्ट को। और अगर उम्मीद काफ़ी है कि आपने क्वेश्चंस ठीक किए होंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसकी बेटा प्लीज़ उसको करेक्शन कर लें। ठीक है जी, थैंक यू।